हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फरमाए नाज ऑफिशियल में। और आज बहुत अच्छी बात बताने जा रही हूँ, क्योंकि आप सभी की सपोर्ट से, आप सभी की दुआ से हमने अपना खुद का स्टूडियो बनाया है। आप सभी ने देखा होगा औरों की वीडियो में, क्योंकि बहुत लोग बना कर ले जाते हैं हमारे वीडियो, लेकिन आज मैं खुद अपना स्टूडियो आपको दिखाऊँगी सारा, बाहर से अंदर से पूरा स्टूडियो, जैसे भी हम गाना रिकॉर्डिंग करते हैं, कहाँ हम बैठते हैं, कहाँ क्या करते हैं। और देखो कितना सुंदर है, अभी तो बाहर से ही देखा, अंदर से देखोगे तो होश उड़ जाएंगे। चल चलो मेरे साथ देखने के लिए स्टूडियो हमारा, जो बाहर का नज़ारा है अभी तो देखो। एक गेट कहाँ लग रहा है इसका, अरे इसका तो चोर लेके पाड़ के गेट। आ जाओ दोस्तों, ये गेट है हमारा मेन स्टूडियो का, स्टूडियो गेट है घर का पूरा। देखो हाँ, मोटर चल रहा अभी, क्या है अच्छे गाड़ी खड़ी करने का यहाँ पे। हाँ जी, गाड़ी खड़ी करने का, पर अभी तो यहाँ रखा है रेंजर गाड़ी खड़ी हमारी, अभी साइकिल इसको चला मैं। ये हाथ धोने का देखो कितना बढ़िया लगा रखा है, जिसको भी आना हो यहाँ हाथ धो के जाओ, मुंह धो के जाओ, तेल भी है सब है, और देखो कंघा भी रखा। आओ एक कमरा और दिखा दो तुम्हें अपना। ये क्या है इधर? इधर रसोई हमारी, कल्लू भाई कहाँ गए हैं? रसोई छोड़ के आ जाओ तो दोस्त, तो कल्लू भाई दिखाएंगे तुम्हें। हमारे जो कल्लू भाई है बहुत अच्छा खाना बनावे, जो हमें हमारे बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, तो हमारे कल्लू भाई हैं। कल्लू भाई कुछ बता, कल्लू क्या क्या बना ला भैया? मैं खाने में सब कुछ बना लूंगी भाई, बहुत ही मेहनती बंदा है, जिसकी वजह से हम यहाँ रुके हुए हैं। अगर यू जी कल्लू भाई ना हो तो एक मिनट नहीं रुकने का हम यहाँ से, क्योंकि बहुत जोर पड़े खाना बनाते में, बर्तन धोते में, तो हमारे कल्लू भाई बहुत ध्यान रखते हैं, इतना टेस्टी खाना बना में कि होटल भी फेल है। तो कल्लू भाई के लिए जरूर लाइक करना। हाँ। ये क्या आएंगे, फ्रिज है, ये फ्रिज रखा है, थाली नहीं, सामान है इसमें। देखो दाल धपाल रखी है, इसमें घिया कटा हुआ रखा है, और दोस्तों ठंडा पानी की सुविधा भी है इसका मतलब यहाँ पे। हाँ जी, ठंडा पानी भी है, देखो ये बोतल है। ये गेट इधर को है। हाँ ये घर लगवा दिया था। आ जाओ भाई दोस्तों, अंदर को कमरे में कैमरे लगे हुए, यहाँ से अंदर बाहर का दिखो जाओ हमें, कौन आ रहा कौन जा रहा। तो सारे पोर्शनों का है, कहाँ स्टूडियो है, किस जगह कौन बैठता है, तो पूरा है ये कैमरे का। कूलर है अभी फिलहाल चलाने रखा, क्योंकि आज बारिश हो रही थी बहुत तेज, इसी वजह से ठंड में पंखा ही चला रखा है। तो दोस्तों ये तो कमरा हो गया हमारा, आने जाने वालों का, जो मेहमान आते हैं बेचारे हमारे से मिलने के लिए, हमारे दोस्त उनके लिए है स्टूडियो ऊपर है, वो भी दिखाऊंगे तुम्हें, सब्र करो थोड़ा, सब्र का फल मीठा होता है। इसमें अटैच दिखे तो है, तो अटैच दिखे तो हल्का में ले रहे तुम, हमें लेटरिन बाथरूम इसमें बना रखा, जरा नहीं सब इसमें। तो चलो भाई दूसरा रूम भी दिखा है, एक और एक इधर भी है, ये इधर लिख रहा है YouTube, ये बैठक के लिए बनाया हुआ है, बैठक का भी और दूरी पड़ी। तो यहाँ फरमान बैठा है, याद कर रहा है क्या रूम में? फरमान तो टाइम पास कर रहा है, तो कभी कुछ करता नहीं। देखो अभी भी फोन में लगा हुआ था, बताइए आज क्या करा के याद करा सुनिए। मेरा सोनिए तो दोस्तों फरमान बहुत अच्छा गावे, लेकिन सूफिया ना गावे तो बहुत टाइम लगावे, आप लोग फिर बोर हो जाओगे। तो भैया रियाज कर ले, ये जिन्ना हो
तो बस जिन्ना ही बहुत बड़ा दिखे है तो यहाँ पे गैलरी है ऐसा बाहर का भी देख सके और साफ सफाई हुई बहुत बढ़िया हो गई देखो करा के जो ऊपर का नजारा देखो कितना सुंदर है ये कुर्सी बिछड़ी जो वर्जिश करने का यहाँ से ओह जिम वाला भी साहब है यहाँ पे भी जो आदमी बाजी में फालतू हो जाए तो यहाँ पे गद्दे तो भी गिरे नहीं लेकिन बैठने की सुविधा कर रखी कौन है ऊपर भी वॉशरूम है सब जगह और इधर भी लाइट के लगते धोनी मशीन खाट चारपाई सारा कुछ है दोस्तों देखो ऐसे कितना बढ़िया नजारा है सारा इतना बड़ा स्कूल है सामने जो ऐसे दिखाई दे रहा है यहाँ स्कूल भी यहाँ से हम पढ़ ले रखा हमने उसमें चले जाए स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ लें इंग्लिश सकता नहीं पढ़ना यहाँ स्कूल के जो प्रिंसिपल है बहुत अच्छे हैं बहुत ज्यादा प्यार करें हम लोग मॉडर्न पब्लिक स्कूल है मॉडर्न पब्लिक स्कूल जमुना बिहार और इधर क्या है ये लिपसिंग का कमरा दोस्तों और हमारा लिपसिंग का कमरा कैसा भाई वो इसमें लगी हुई रंग बिरंगी लाइट है चेहरा वेरा किसी को पहचान में ना करवाना हो कहाँ से दिल्ली देखो कितनी सारी लाइट है तो दोस्तों ये रूम देखो ये लिपसिंग का रूम है इधर इस तरह का करा हुआ है ये फिर और इधर हमारी मैगजीन देखो कितनी सारी मिली हुई तो इधर यूट्यूब से जो मिलता है और इधर की लाइट जला है इसमें भी हाँ सारी जला है तो दिखे देखो भाई ओहो बहुत ही प्यारा है लिपसिंग का रूम जो बनाया है ये देखो लाइट के थ्रू इधर आराम भी कर सके और क्या क्या कर रहे हैं जब हम इसमें जब जी माँ बाप अपना लिपसिंग करके अपना डाल ये रूम जो है बहुत ही अच्छे सुविधा से बना रखा पंखा भी ये भी इधर शील्ड आ जाओ स्टूडियो दिखा दो तो दोस्तों ये हमारा स्टूडियो जो हमारा मेन है सबसे पहले जिसके लिए हमने इतनी मेहनत करी आज तक हमारे राइटर साहब है जो हमारे लिए बहुत मेहनत करके अपने गाना लिखे हैं हमारे लिए नमस्कार दोस्तों तो सब लिखे हैं ये गाने बहुत अच्छा गाना लिखे हैं जिनकी बदौलत हम गाने अपने स्टूडियो में रुक रहे अब तक तो दोस्तों जो हमारा भाई जो गाने लिखे हैं इसका नाम अनुज है अनुज मुलेड़ा के नाम से है इनका नाम जो इनका अपना है तो ज्यादा बहुत ही अच्छा गाना लिखते हैं जितना भी अपने जितना भी हमारा स्टूडियो से नए सॉन्ग आते हैं सब भाई लिखते हैं उसमें फरमानी भी हेल्प करती है फरमान भी करता है लेकिन बंदा बहुत टैलेंटेड है एडिटिंग भी और बाकी बहुत कुछ नॉलेज है इस बंदे को इस चीज़ के लिए और जितना भी आज तक हमने यूट्यूब से काम किया है वो इसी स्टूडियो को बनाने में लगाया है और आप लोगों के लिए ही करते हैं क्योंकि आप लोग ही कहते हैं कि ढोलक पे कब तक चलेंगे तो उसके लिए फरमानी नाज के लिए और फरमान और भूरा ढोलक और अपनी पूरी टीम ऐसा काम कर रही है भजन के ऊपर कवाली के ऊपर और न्यू सॉन्ग के लिए तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें जो स्टूडियो बनाए आप ही की मेहनत से बनाए और ऐसा करें कि हम स्टूडियो में बराबर काम करें आप लोग प्यार करेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो को हम बनाते रहेंगे और आप लोगों के सामने लाते रहेंगे तो दोस्तों नाज म्यूजिक के नाम से स्टूडियो है देखो अंदर कैसे अंदर का दिखा का वहाँ पे कैसे कैसे यहाँ से देखो ये सारा सिस्टम रखा कॉलम अंदर माइक है म्यूजिशियन भाई साहब आज हमारे आए थे लेकिन दोपहर चले गए उसे उनको भी दिखाएंगे आपको थोड़ा बाद में हम तो दोस्तों ये अंदर का नजारा बाहर तो तुमने देख लिया कितना खूबसूरत था अब अंदर का भी देखो यहाँ पे हमारे मंदिर रखा और यहाँ से माइक है जो अपने दोनों बहन भाई हम रिकॉर्डिंग करें यहाँ फरमान और मैं अपने गाने गाँव में अच्छी तरह जो याद नहीं रहता तो यहाँ लिख के रख लें यहाँ से पढ़ पढ़ के साथों साथ गाओ जाए यहाँ हमारी जो किताब है पूरी पुस्तक इसमें गाने लिखे हुए बहुत अच्छे अच्छे जो अनुज भाई लिखते हैं हमारे गाने बहुत अच्छे तो सारा तुम्हें दिखा दिया कितना अच्छा स्टूडियो सब अपनी मेहनत से क्या है और आप सभी की सपोर्ट से तो दोस्तों ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और आगे बढ़ाते रहो और अच्छे अच्छे एल्बम तुम्हें सुनने को मिलती रहेंगी क्योंकि आप सभी का सपोर्ट रहेगा प्यार मोहब्बत रहेगी तो हमारा स्टूडियो भी बना रहेगा तो इसीलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहो देखो तो प्यार मोहब्बत बनाए रखो भाई दोस्तों आपके सपोर्ट से ही देखो इन यहाँ पे जो भी कुछ है सब आपका सपोर्ट है आपका प्यार है मोहब्बत है ऐसे ही बनाई रखिए इसे और आपके लिए हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और राहुल भाई हैं जो अपना
यूट्यूब से आपके मनोरंजन के लिए नए नए सॉन्ग लेके आते हैं। तो दोस्तों मेरी सबसे बस खास एक ही दोस्तों भूरे की कमी इस व्लॉग में आपको नजर आ रही होगी। आज भूरा जो है दावत में गया हुआ इसलिए नहीं आया, तो भूरे के लिए क्षमा चाह रहे हैं। और म्यूजिशियन भाई जो हमारे हैं परविंदर जी, वो दोपहर के ना बनाए रखे प्यार के, हम आगे आप लोगों को अच्छे अच्छे गाने फरमान नाज की आवाज में, फरमान की आवाज में सुनाते रहे। अगर आप लोग भी अच्छा गाएंगे तो हम आपका भी स्टूडियो में काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें फरमान नाज को भी और हमारी पूरी टीम को। तो दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, बाय बाय, मिलते हैं। तो दोस्तों लाइक शेयर करियो और कमेंट करके जरूर बताइयो कि हमारा स्टूडियो तुम्हें कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दियो फरमान नाज ऑफिशियल के नाम से।